शहनाई वादक और भारत रत्न उस्ताद बिस्मिल्ला खान के घर से शहनाइयां चोरी होने का मामला सामने आया है। दरअसल बिस्मिल्ला खान की यादगार धरोहरों में शुमार चांदी की 5 शहनाइयां वाराणसी में रहने वाले उनके बेटे काजिम हुसैन के घर से चोरी हो गई है। घर के अंदर रखा ट्रंक खुला मिला, जिसमें रजाई व गद्दों के साथ शहनाइयों को रखा गया था। बताया जा रहा है कि चोरी हुई 5 शहनाइयों में से एक शहनाई बिस्मिल्ला खान की पसंदीदा शहनाई थी, जिससे वह हमेशा मुहर्रम के जुलूस में बजाया करते थे। इसके साथ ही चोर चांदी की इन शहनाइयों के साथ साथ उस्ताद बिस्मिल्ला खान को पुरस्कार के तौर पर मिली चांदी की कई तश्तरियां और लाखों रुपए के जेवरात भी चुरा ले गए हैं। आपको बता दें कि चोरी हुई चांदी की शहनाइयों में से एक कपिल सिब्बल, दूसरी लालू प्रसाद यादव, तीसरी पूर्व प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव और शैलेश भगत ने दी थी। बताया जाता है कि उस्ताद बिस्मिल्ला खान आखिरी सांस तक सोते जागते शहनाइयां अपने पास रखते थे। हालांकि उस्ताद बिस्मिल्ला खान की धरोहरों पर चोरों की नजर पहले से थी, क्योंकि 2 साल पहले भी उस्ताद की रियाजी शहनाई गायब हो गई थी। फिलहाल मामले की जांच में जुटी पुलिस आसपास में लगे सीसीटीवी फुटेज को खंगालने में लगी है। बिस्मिल्ला खान के इंतकाल के बाद से ही उनकी याद में संग्रहालय बनाने की मांग उठती रही है, लेकिन अभी तक कोई संग्रहालय नहीं बन सका। ऐसे में अब उनकी शहनाइयों की चोरी बिस्मिल्ला खान के प्रशंसकों के लिए किसी तकलीफ से कम नहीं है। देखते रहिए डीबी लाइव।